सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल में अपने रिंगटोन को कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने बहुत पहले अगर कोई रिंगटोन लगाया था, अब आप लोग चाहते हो कि उस रिंगटोन को चेंज कर दें, किसी और रिंगटोन को लगाएं, तो वो कैसे आप लोग चेंज करोगे, तो भाई उसको चेंज करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग को अपना रिंगटोन को चेंज करना है, कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो ओल्ड से न्यू। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो रिंगटोन को चेंज करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाता हूँ। आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर कैसे आपको दोस्तों रिंगटोन को चेंज करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, जैसे आओगे ना अपने मोबाइल की सेटिंग में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एज वाइब्रेशन का, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना दोस्तों, यहाँ पे नीचे आना है। आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिंगटोन का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है तो अलाउ कर दो। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है फ़ोन रिंगटोन का, तो भाई यहाँ पे जितना है सारा फ़ोन का रिंगटोन आ जाएगा। यहाँ से चाहो तो कोई रिंगटोन सेट कर सकते हो, बस उस पर क्लिक करो, सेट हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गैलरी का, कोई म्यूज़िक सेट करना है तो यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे अलाउ करो, और गैलरी का जितना म्यूज़िक होगा यहाँ आ जाएगा और उसको सेलेक्ट करो, बस बैक करो और भाई वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से म्यूज़िक को चेंज कर सकते हो, मतलब रिंगटोन को। तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हो भाई, और जैसे कॉल आएगा जो आपने सेट किया वही म्यूज़िक बजेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।